डर नहीं लगा क्योंकि मॉडल्स के बारे में कहते थे ना कि भाई मॉडल्स हाँ बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी लंबी है वो सारी, लेकिन एक्ट्रेस. अच्छा, मुझे ये डर नहीं लगा था, मुझे तो ये था कि मेरी शादी के 20 दिन के बाद मुझे सेट पे रिपोर्ट करना था. तो मेरे लिए जो सबसे चैलेंजिंग था वो ये था कि मैं अपना मियां छोड़ के कैसे आऊंगी कराची. 20 दिन की दुल्हन. तो मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा थी. मैंने एक्टिंग पे तो मुझे फिक्र ही नहीं थी कि वहाँ क्या होगा, क्योंकि मेरा तो ये एक अप्रोच है कि जब जिस काम पे चले जाएंगे फिर मैं पीछे का सब कुछ छोड़ के आती हूँ, मेरा फोकस काम पे. इसी तरह होना चाहिए ना. एग्जैक्टली. तो वो मेरा फोकस था, लेकिन ये कि तब शादी नहीं नहीं हुई हुई थी मेरी, तो वो चीज मैंने फिर कोई खास सोची नहीं किया. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क्ड आउट रियली वेल. हाँ, मजा आता है एक्टिंग करने में. बहुत ज्यादा मॉडलिंग ज्यादा अच्छे है एक्टिंग. क्या जब मैंने शुरू में एक्टिंग शुरू की थी तो मैं तब कहती थी कि मैं मॉडलिंग को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन दोनों इंडस्ट्रीज बहुत अलग हैं. और दोनों ही मेरी बहुत पसंदीदा हैं, क्योंकि मैंने शुरू एज अ मॉडल किया था और एक्टिंग थोड़ी बहुत कर ही लेती हूँ मैं. ठीक. तो मुझे लगता है कि मैं अब किसी एक को नहीं कह सकती. लेकिन पढ़ा क्या था? मैं BNU में थी. मैं अपना ऑनर्स कर रही थी बिजनेस इकोनॉमिक्स में. अच्छा. तो आई टुक अ सेमेस्टर ऑफ. लेकिन फिर पैसे ज्यादा मिलना शुरू हो गया. हां, यही तो होता है. तो मैंने कहा बाद में ग्रेजुएट होके भी कमाने पैसे ही हैं तो ठीक है, अभी काम शुरू कर देते हैं. तभी तो ग्रेजुएट हुई कि नहीं? नहीं, फिर आई नेवर ग्रेजुएटेड, नेवर वेंट बैक. आज तक होते हैं वैसे दुख मुझे, प्लान में भी है. अब मुझे नहीं पता कि वो कब होगा. सैफा के बच्चे पूछेंगे अम्मा आपने कितना पढ़ा है. हां, कोई पता. एग्जैक्टली. मुझे बड़ा होता है कि मैं उनको मैं क्या कहूंगी कि जी बेटा अपनी पढ़ाइयां पूरी करो. कहेंगे मामा ने तो पूरी की नहीं है, तो जी आप कैसे हमें कह सकते हैं. लेकिन देखते हैं अभी. यही तो चक्कर होता है, उसकी वजह से तुम जबरदस्ती ग्रेजुएट करा करा के भेज रहे हो क्या.